हम अफगानिस्तान को जो तालिबान है वो हमारी क्यों नहीं सुनते, ये क्वेश्चन है, और हम अफगानिस्तान के हवाले से सच्ची बात क्यों नहीं बताते। मुजाहिदीन है हमारे भाई हैं, ये हमारा पब्लिक नैरेटिव, ठीक है जी। जनरली पब्लिक के सामने हम ये बात करके उसके बड़ा खुश होते हैं, जनाब देखो हम, जैसे इमरान खान साहब ने कहा दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। पाकिस्तान को बना हुए तो 75 साल हुए हैं, इस्लाम आए को भी, इस्लाम को तो आए हुए 1400-1500 साल हुए हैं, और हम जो है वो पश्तून है वो 5000 साल से। इसी तरह बलोची भी ये कहते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं बहुत सारे अफगानियों से मिला हूँ जो कि ये कहते हैं आपने इंटरफेरेंस की, आपने यहाँ पे दहशतगर्दी कराई, आपने तालिबान को बनाया। ये जो तालिबान को बनाने का इल्जाम है ये हमारे ऊपर है, ऑब्वियसली हमारे ऊपर ही बनता है। तालिबान समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। शायद ओआईसी का इजलास हुआ वो आए नहीं है यार, टीटीपी वहां से बैठ के हमें मारती है, उनको परवाह ही नहीं है। उन्होंने एक एक्टिविटी अभी तक नहीं की भी, मैं देख रहा था शायद कोई दाइश के किसी बंदे को पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में मारा गया, ठीक है। आए रोज पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। एक चीज का मुझे पता है कि अफगानियों ने और तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देना, और हमने इन्होंने पब्लिक में टफ टाइम देना है, हमने अंदर बैठ के इनको मनाते रहना है। हम अफगानिस्तान को जो तालिबान है वो हमारी क्यों नहीं सुनते, ये क्वेश्चन है, और हम अफगानिस्तान के हवाले से सच्ची बात क्यों नहीं बताते। पहली बात तो ये है कि अफगान तालिबान जो है वो इंतहाई स्मार्ट है, वो पाकिस्तान को किस लेंस से देखते हैं, उनका लेंस हमें देखने का और हमारा लेंस उनको देखने का दोनों डिफरेंट है। हमने जो अपना पब्लिक में लेंस रखा हुआ है, इस्लामिक मुल्क, ब्रदरली मुल्क, नेबरली हमारा कंट्री है, एक बात हो गई। रेजिस्टेंस किया सोवियत के खिलाफ, अमेरिकन के खिलाफ रेजिस्टेंस किया, मुजाहिदीन है हमारे भाई हैं, ये हमारा पब्लिक नैरेटिव, ठीक है जी। जनरली पब्लिक के सामने हम ये बात करके उसके बड़ा खुश होते हैं, जनाब देखो हम, जैसे इमरान खान साहब ने कहा दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, ठीक है। और बाद सानों ये लीडरान हल्की फुल्की जो है ना टकटलियां करके और टुकड़े छोड़ के चले जाते हैं हुकूमत, और बाद में जो अवाम है और जो स्टेट है वो उसकी कीमत देती रहती है, नहीं हो। अब एक तो हमारा उनके पब्लिक नैरेटिव है, इमरान खान ने उनके हक में इतने बयान दिए हैं मेरा नहीं ख्याल, और सिर्फ उन्होंने इसलिए इमरान खान ने तालिबान के हक में बयान नहीं दिए कि इमरान खान को अपना वो केपी खैबर पख्तूनख्वा का वोटर बड़ा प्यारा है। पाकिस्तान को बने हुए तो 75 साल हुए हैं, इस्लाम आए को भी, इस्लाम को तो आए हुए 1400-1500 साल हुए हैं, और हम जो है वो पश्तून है वो 5000 साल से। इसी तरह बलोची भी ये कहते हैं, वो कहते हैं ये जो मजहबी और नेशनलिस्ट आइडेंटिटी है ये तो भी है, लेकिन हमारी जो एथनिक आइडेंटिटी है वो तो 5000 साल पुरानी है, सो वी डोंट केयर। सो ये हमने उनका जो नैरेटिव बनाया हुआ है अवाम के सामने, ठीक है, वो बड़े स्मार्ट है तालिबान, उन्होंने अपना नैरेटिव बड़ा क्लियर रखा हुआ। उनको क्या पता है, उनको ये पता है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ वो करने की कोशिश की जो पाकिस्तान कह रहा है तो हम अपनी लेजिटिमेसी खो जाएंगे इंटरनली, सिंपल सी बात है। क्योंकि तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं बहुत सारे अफगानियों से मिला हूँ जो कि ये कहते हैं आपने इंटरफेरेंस की, आपने यहाँ पे दहशतगर्दी कराई, आपने तालिबान को बनाया। ये जो तालिबान को बनाने का इल्जाम है ये हमारे ऊपर है, ऑब्वियसली हमारे ऊपर ही बनता है। ये जो आइडेंटिटी क्राफ्ट की क्रिएट की हमने पाकिस्तान ने क्रिएट की, सो द अफगान्स डोंट लाइक दिस, एंड तालिबान अंडरस्टैंड कि ये करंट्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं, लिहाजा वो कुछ नहीं करेंगे जो है वो दे वोंट अनॉय द पब्लिक, कि वो पाकिस्तान के साथ जफियां डालें और पब्लिक को अनॉय करें, तालिबान इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए मसाइल हैं। अभी उन्होंने जो प्रॉमिस किया हुआ था गर्ल्स एजुकेशन का, वो भी उन्होंने वो वापस कर दिया, क्योंकि मैंने जब शुरू से आपसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि तालिबान की जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज नॉट आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको समझने की जरूरत। बिहेवियर बदले और बिहेवियर भी उन्होंने सही बदले, उनको परवाह किसी की नहीं है यार, दे आर ट्राइबल पीपल विद मटीरियल अप्रोच, आई डोंट वांट टू चेंज इट। आप जो मर्जी और जिन्होंने कहते हैं ना सर्दियां सारी ठीकरियां पाल लो, उन्हें तो कोई नहीं सुननी, दे वोंट लिसन यू, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई,
दूसरा ये है कि इसमें जो अगर सही पैमाने में बात की जाए कि ये चीज़ तो वो तालिबान समझता है कि हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद ओआईसी का इजलास हुआ वो आए नहीं है यार, टीटीपी वहां से बैठ के हमें मारती है, उनको परवाही क्यों नहीं है, उन्होंने एक एक्टिविटी अभी तक नहीं की भी। मैं देख रहा था शायद कोई दाइश के किसी बंदे को पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में मारा गया, ठीक है, कोई सिंध में या बलूचिस्तान में भी कोई लोग मारे गए, ठीक है, वो आए रोज पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, और हम यहाँ पे बैठ के ऐसी दंड कट दे रहे हैं क्योंकि हम सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब अपना आप बचा रहे हैं, सियासी जमातें अपना आप बचा रही हैं, मुल्क को क्या हो रहा है किसी ने कोई टेंशन नहीं, किसी ने तो वहमो गुमान भी नहीं कि मुल्क दी की जो है वो हमने करना है और क्या नहीं करना। दैट इज अ सीरियस सीरियस चैलेंज फॉर अस कि हमने इसको किस तरह जो है वो लेके चलना। वो बड़े क्लियर है, उनको पता है कि हमें तालिबान हमें पाकिस्तान ने बनाया था, हमारी आवाम को पता है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ इतनी लुटियां डालने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट टाइम भी ओआईसी का सेशन हुआ था, हमने अफगान तालिबान के साथ उनको पीछे बैठा दिया था और उनको तस्वीर में भी नहीं बुलाया था, तो वो गुस्से होते हैं कि यार आप हमें इज्जत नहीं देते। मैं तो समझता हूँ वो ये जो ये बड़े ईगो वाले लोग हैं तालिबान जो है, इनको बड़े तरीके से डील करना पड़ता है। अभी जो मसाइल हैं अफगानिस्तान के, मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने, हमारे दफ्तर खारजा ने या जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं उन्होंने हमारे मौलवियों को इंगेज किया कि वो तालिबान के साथ बात करें। ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि हमारे मौलवियों को, जो हमारे राइट विंग मजहबी उलमा हैं, दारुल उलूम हक्कानिया है, मौलाना फजल रहमान है मेरा ख्याल है, इनको इंगेज किया गया है कि ये अफगानिस्तान में अफगान से बात करें कि जो बॉर्डर पे हमारे मामलात हैं वो खराब हैं, ये ठीक हो जाए। यानी कि वो जो मेन स्ट्रीम चैनल होते थे वो खराब हो गए, वो जो तोरखम के ऊपर हुआ, वो जो हमारे सिक्योरिटी के लोग या फॉरेन ऑफिस के लोग, सो ये दोबारा हमने एक नया कार्ड खेला। एक चीज का मुझे पता है कि अफगानियों ने और तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देना, और हमने इन्होंने पब्लिक में टफ टाइम देना है, हमने अंदर बैठ के इनको मनाते रहना है। ये चीज जो है ना मुझे समझ आ रही है, क्योंकि हम क्योंकि हमारी क्रिएशन थे तो हम उस तरह पब्लिक में जाके इनके खिलाफ बयान नहीं देते। अभी तक हमारे फॉरेन ऑफिस ने या एसपीआर ने कोई इनके बारे में बयान नहीं दिया हुआ, हल्का फुल्का जो डिस्कशन भी रोजाना वो कोई ना कोई मसला पैदा करें, इधर हम ट्रक भेज रहे हैं खाने पीने के, ठीक है, इधर इनकी रिकग्निशन के मामला तय कर रहे हैं, इनके ग्लोबली इनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुला के करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, उन्होंने हमारी ओआईसी में आने से इनकार कर दिया, और वहां पे बैठे हुए दहशतगर्द पाकिस्तान को मार रहा है और रोजाना वहां से लोग एंटर हो रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था कि तालिब जो पाकिस्तान में लोग जो है वो ये कुछ दो दिन पहले एंटर होने की कोशिश की है, इन्होंने मारा थैंक्स टू दैट वायर, वो वायर भी नहीं लगने देते, वो कहते हैं इसको हटाओ, ये बॉर्डर इधर नहीं था बॉर्डर उधर है, वो एक पुराना मसला ड्यूरेंट लाइन। और तालिबान दे आर वेरी डिफरेंट क्रिएचर, अमेरिकन जिनसे बातें कर करके थक गए थे, हम तो चीज ही को नहीं है इनके मुकाबले, मुझे जो मुझे मुझे लगता है। और हमने पब्लिक में कहना कि नहीं नहीं बहुत अच्छे ताल्लुक था, और उन्होंने पब्लिक में एम्बैरस करना। एनी हो, जो लोग जारी बात है पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स दे कैन अंडरस्टैंड बेटर, दे नो बेटर व्हाट टू डू हाउ टू डू, सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन व्हाई तालिबान आर नॉट लिसनिंग पाकिस्तान, इस पर पाकिस्तान में बात होनी चाहिए।